Let me start the recording. Okay. Hello again, everyone. This is the topic for today is inverse of a function. Very, very important topic. And this will form the foundation for inverse trigonometric functions, right? If you don't understand what is inverse function, how would you understand one of the inverse functions, which is inverse trigonometry, ITF, which is the very next topic. ध्यान रखना ये टॉपिक अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही है. कैलकुलस में भी आपके पास ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां कि आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से डील करना होता है. ठीक है, सो आई वुड स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल बिकॉज बिफोर वी कम टू कॉन्सेप्ट्स आई ऑलवेज वॉन्ट कि आप चीजों को समझें. तो आई स्ट्रेट अवे कम टू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल वेयर वी कैन डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. लेट्स से आई टॉक ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 6. ठीक है, टिल नाउ वी हैव लर्नड दैट वी हैव अ डोमेन, राइट, लेट्स कॉल इट x, एंड वी हैव अ कोडोमेन, लेट्स कॉल दैट fx. इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0, राइट, व्हाट डू आई गेट एज fx? आई गेट 6. इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1, right, what is the image of one here? That will be 8. Okay, this is also called image, and this is called the pre-image. Domain is called the pre-image, and the range or the codomain, that is called the image. If I similarly take x is equal to, let's say, 3, so that makes 6 plus 6, that is 12, and so on. Here you understand that 0 is mapped with 6, 1 is mapped with 8, and 3 is mapped with 12, right? In case I take any other number, let's say I increase the domain, let's say I take 5. If I take 5, I'm sure you would say that that would be 16. The image of 5 would be 16. So this is what? This is function. Aaj hame kya padhna hai? Inverse of a function. Inverse ko kaise likhte hai? F raised to the power minus 1. That is the representation of an inverse function. इसका मतलब क्या होता है? अभी इनपुट क्या था? 0, राइट, x की जगह पे हमने 0 रखा, तो हमारा आउटपुट क्या आया? 6. सिमिलरली मैंने दूसरा इनपुट रखा, व्हेन आई पुट इनपुट एज 1, सो आई गेट इट एज 8. व्हेन आई पुट इनपुट एज 3, आई गेट द आउटपुट एज 12, एंड व्हेन आई टेक द इनपुट एज 5, आई गेट द आउटपुट एज 16. F inverse यानी कि इसका ठीक उल्टा. उल्टे का मतलब ये है बेटा कि जब मैं इनपुट 6 रखूंगा द आउटपुट शुड बी 0 नाउ. जब मैं इनपुट 8 रखूंगा द आउटपुट शुड बी 1. जब मैं इनपुट 12 रखूंगा द आउटपुट शुड बी 3. एंड सिमिलरली व्हेन आई पुट द इनपुट एज 16 द आउटपुट शुड बी 5. यहां पे एक बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए दैट दिस इज योर डोमेन इनिशियली फॉर fx. दिस इज योर डोमेन, राइट, एंड दिस इज योर रेंज. लेट्स से रेंज बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा कोडोमेन मैंने ऐसा नहीं लिया, ऐसी कोई वैल्यू नहीं ली है, राइट, द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन. बट व्हेन वी टॉक ऑफ द इनवर्स द रेंज बिकम्स द डोमेन एंड द डोमेन बिकम्स द रेंज. तो अगर मैं f इनवर्स 6 आपसे पूछता, राइट, f इनवर्स 6 आपसे पूछता कि बताओ f इनवर्स 6 कितना होगा, आई एम श्योर यू वुड से इट इज 0. If I say what is f inverse of 8, I'm sure you would say it is 1. And if I say what is f inverse of 12, similarly, we can proceed ahead with other values as well. Right? If I talk of f inverse of 16, f inverse of 16, that is going to be 5. But that is the clear understanding, right? हमने अभी इसकी understanding develop की है. Right? One of you is raising hand. You can, in case it is not clear, you can type a message over chat box, right? Because I'm recording this lecture, so I would, either I don't mind if you use your mic, but for better recording quality, you should use the chat box in case you have any doubt. Okay? So I can see your hand up, Aditya, that your hand was up and now it is down. If it is understood, ya galti se aapne hand raise kar diya, so it is okay. कोई भी अगर डाउट है बेटा आप चैट बॉक्स में जाके उधर टाइप करके बताओ, या फिर अगर कुछ अर्जेंट है आप माइक भी यूज कर सकते हो, आई डोंट माइंड दैट. ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड. हम अभी ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग
इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को स्टडी करते हैं। अब देखो बेटा, जब फंक्शन था तो ये था, इनवर्स फंक्शन है तो हमने देखा ऐसा होना चाहिए, बट हाउ वुड वी डिफाइन दिस। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 6, सिमिलरली एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वॉट, राइट, दैट इज वॉट वी नीड टू डेवलप। अब देखो बेटा, एफ इनवर्स एक्स, जब कभी भी तुम्हें किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, बल्कि अभी से दो क्लास पहले हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा था जब हम लोग फंक्शन को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। सो एफ एक्स जो भी दे रखी है, जब आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपको एफ एक्स की डेफिनेशन दे रखी है, एफ एक्स इज गिवन एज 2x + 6, आप क्या करो एफ एक्स को वाई ले लो, व्हाट डू यू गेट, यू गेट एक्स 2x + 6। अभी वाई आपने एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, आप क्या करो एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वी कैन राइट वाई माइनस 6/2 एज द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ ये जो चीज है ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इसको एफ इनवर्स कहते हैं, क्योंकि अभी ये वाई के फॉर्म में है तो मैं इसको एफ इनवर्स वाई लिखूंगा। अगर मैंने एफ इनवर्स एक्स लिखना है यहाँ पे, अगर मैंने एफ इनवर्स एक्स लिखना है, आई विल राइट इट इज एक्स माइनस 6/2। लेट अस वेरीफाई, चेक करें, और चेक करते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी एफ इनवर्स एक्स में 6 रखी थी, 6 रखा, 6 - 6/2, डेफिनेटली दैट इज कमिंग आउट टू बी 0 व्हेन आई पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन द इनवर्स डेफिनेशन। व्हेन आई पुट एक्स इज इक्वल टू 8, व्हाटएवर डू आई गेट, 8 - 6 इज 2, 2/2 इज व्हाट, इट इज 1। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज आल्सो वैलिड। जब मैंने 12 रखा तो 12 - 6 इज अगेन 6, 6/2 इज व्हाट, दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 भी वेरीफाइड है। 16 रखा तो 16 - 6/2, राइट, कितना हो गया ये हमारे पास, 10/2 इज 5, अगेन वेरीफाइड। तो एफ इनवर्स एक्स की डेफिनेशन जो हमने यहां से निकाली वो क्या निकाली, इट इज x - 6। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात हमें समझ में आनी चाहिए थी कि फंक्शन और इनवर्स होते क्या है। मैंने ये आपको बेसिक एग्जांपल इसलिए दिया था सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट बेसिक मैनर, राइट, इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड यू कैन ऑलवेज डील विद ग्रेट क्वेश्चंस, ओके। So I hope the basic understanding is done through this, right? थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। एक चीज और होती है इसमें, that आप इसमें थोड़ा सा bookish language को भी साथ साथ use करेंगे और उसको हम लोग फिर समझते जाएंगे, right? In the most basic manner. Now you must have studied that, or you will be studying that inverse of a function exists only when the function is bijective. Now till this class we understand what is bijective. Right, I can see two of you have joined this class for the first time. So please watch the previous videos to develop the right knowledge. Right, in case like main plan bhi kar raha hu, ek do bachchon ne request kiya hai ki kuch topics jo miss ho gaye hain uski class le lena. So if the lockdown is done, main live aapko coaching mein hi padha dunga. Then if the lockdown is not done, to koi baat nahi, yahi pe hum log kuch classes reschedule kar lenge. Jo class ho chuki hai, lagi videos available hai, but still uske baad bhi agar thodi pareshani rehti hai, to no issues. I can reschedule those classes. Okay, I'll wait for another 1 week to start with the revision classes. है ना, एक हफ्ता 10 दिन अभी wait करेंगे, उसके बाद फिर revision classes भी कर लेंगे, no issues. अब देखो bijective का मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा है that whenever the function is 1, 1, right, which is also called injective, plus it is onto, which is also called surjective. 1, 1 क्या बोलते हैं, injective, और onto क्या बोलते हैं, surjective. So if the function is 1, 1 as well as onto, only then it is bijective. And a function is inversible, a function is said to be invertible only when the function is bijective. Please take it very properly, right? कोई भी function invertible तभी होता है जब वो 1, 1 भी है और onto भी है. इसके पीछे का logic भी हम समझेंगे, right? रटना नहीं है, as usual, as I said, कुछ भी रटना नहीं है. If you want to take a screenshot, you can. I'll be clearing the screen, right? I need to clear the screen to make sure that I have some space to write, although I can move to the next thing, but next mein main dekh raha hu, I need to explain you something else, bijective, right? Inverse is possible. Achha, achha, theek hai, ye toh same hi hai. So, theek hai, that's fine. That is fine. Chalo, dekho. To, hum log ye dekh rahe the ki abhi function kya hai, uska inverse kaise hoga, ye cheeze humne abhi dekhi, study ki. Theek hai? Aur thoda sa yahan se, main is content ko copy kar leta hu. I would be needing less things to write in the next slide. So I'll just paste it here. Okay, fine. Now let us see.
अभी मैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं हम लोग थोड़ा सा अपनी बुकिश नॉलेज को अपनी बेसिक नॉलेज से कोलैबोरेट करेंगे सो दैट वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक दैट इज व्हाट इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव ठीक है व्हेनेवर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव ओनली देन द इनवर्स इज पॉसिबल इस बात को हम समझते हैं लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है जैसे बाइजेक्टिव का मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है वन वन होता है राइट वन वन होता है अभी जैसे हमने एक फंक्शन लिया राइट हमने अभी भी एक फंक्शन लिया था जहां हमने कुछ एक्स की वैल्यूज ली एफ एक्स को एक डेफिनेशन दी और फिर वहां से हमने इसके इसको मैप किया ठीक है चलो इसको फ्रेश ही कर लेता हूँ यार ये बड़ा गंदी सी इमेज लग रही है जस्ट डू इट अगेन लेट्स से यू टेक अ डोमेन एंड यू से इट इज माइनस वन जीरो वन टू And let's say you have a codomain y, which is 0, 1, 2, 3. Let's say minus 1 is related to 1. 0 is related to 0. 1 is related to 1 again. And 2 is related to ओके लेट्स से कोई भी ऐसा फंक्शन है फंक्शन क्या है ये मत पूछना मैंने एक रैंडमली एक ऐसा डोमेन और कोडोमेन डिफाइन किया है अब देखो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन ऑनटू नहीं है राइट दिस इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन दिस इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन व्हाई बिकॉज वी हैव वन एलिमेंट इन द कोडोमेन व्हिच हैज नॉट गॉट अ प्री इमेज इन द डोमेन राइट जब तक इसका प्री इमेज नहीं होगा जितने भी एलिमेंट्स हैं राइट हमने इस बात को देखा था कि ऑनटू होने का सिर्फ एक तरीका होता है दैट व्हेनेवर द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन ओनली देन द फंक्शन इज एन ऑनटू फंक्शन क्योंकि हमारे पास थ्री यहाँ पे एक ऐसी एक वैल्यू दिख रही है राइट जिसके वजह से ये हमारा ऑनटू नहीं हो रहा है तो चलो सपोज करो मैं इस थ्री को यहां से हटा देता हूँ ठीक है मैंने थ्री को यहां से हटा दिया ओके मैंने थ्री को हटा दिया ठीक है अब हम अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे हैं कि इनवर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव ऐसा क्यों है राइट इनवर्स इज पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन ठीक है तो ऐसा क्यों हम इस बात को समझ रहे हैं तो पहली बात तो ये समझ में आया कि भाई ये अगर यहाँ पे हमारे पास ये थ्री था राइट लेट से यहाँ पे कोडोमेन भी थ्री भी होता मान लो थ्री भी होता ठीक है थ्री भी होता लेट इट बी देयर तो एफ इनवर्स एक्स राइट F inverse x, F inverse 3, F inverse 2, F inverse 1, F inverse 0. So you clearly understand F inverse 3 is not defined as we don't have the pre-image for 3 when we are talking of fx, right? I hope you understand what I'm trying to say that F of minus 1 is what f of minus 1 is 1 as per the definition that is given to us. F of 0 is 0. F of 1 is also equal to 1. And f of 2 is equal to 2. Right? This is given to us. और यहां से हम लोग जो इसका इनवर्स है वो बेसिक डेफिनेशन से पहले निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए f इनवर्स 3 is not defined, right? अगर कोई भी चीज अनडिफाइंड है तो वो पूरा फंक्शन ही इनवैलिड हो गया ध्यान रखना फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड है ठीक है और अगर वो चीज डोमेन में हमारे को गिवन नहीं है तो प्लीज रिमेम्बर दैट द फंक्शन वॉन्ट एग्जिस्ट देयर ठीक है अगर मैं एफ इनवर्स 2 की बात करता हूँ तो 2 पे मेरे पास इसका प्री इमेज कितना 2 दिस इज एब्सोल्युटली फाइन नो इश्यूज विद दिस अगर मैं एफ इनवर्स 1 की बात करता हूँ तो एफ इनवर्स 1 अब देखो यहां मैं क्या लिखूं F inverse 1 can be 1, F inverse 1 can be plus 1 as well. It can be minus 1, it can be plus 1. Again, we are not sure about this, right? Wherever, see, in mathematics, you have to be sure about everything. If something is not sure, we say it is not a clear solution, right? That is why we say that it has to be a 1-1 function. Ab ye many one function ho gaya na, minus 1 ka bhi image 1 hai, aur plus 1 ka bhi image 1 hai. तो ये आपका वन वन फंक्शन नहीं रह गया ना ये कौन सा फंक्शन हो गया मेनी वन फंक्शन हो गया इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी फंक्शन वन वन है तभी पॉसिबल है राइट अब ये मेनी वन था तो जो हमने इनवर्स लिया
तो वन पे अब क्या ले बताओ, एफ इनवर्स वन विल बी व्हाट, इट कैन बी माइनस वन, इट कैन बी प्लस वन, इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर अस. हैड इट बीन अ वन वन फंक्शन देयर वुड बी एनी कंफ्यूजन एंड वी वुड बी वेरी क्लियर अबाउट द आंसर. सिमिलरली एफ इनवर्स जीरो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एफ इनवर्स जीरो इसका सिर्फ एक ही इमेज है जीरो. तो ये दोनों चीजें तो ठीक है, बट बाकी दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रही है, दैट इट इज नॉट ऑन टू. फर्स्ट पॉइंट क्या है और सेकेंड पॉइंट क्या है, यही दो चीजें तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, राइट. इट इज नॉट ऑन टू, यानी हमारे पास अगर कोड डोमेन भी एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जिसका प्री इमेज नहीं है, तो वहां पे उसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, पॉइंट नंबर वन. और जहां कहीं भी हमारे पास वन वन नहीं है, राइट, वो मेनी वन है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वी हैव टू प्री इमेजेस, राइट. तो इसीलिए दैट इज द, अगेन आई होप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई अ फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव फॉर इट टू हैव एन इनवर्स. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से होता है. I hope it is clear. Please raise your hand if it is clear to you. What I'm trying to say is कि किसी भी function का inverse तभी exist करे, समझ में आना चाहिए, ठीक है? किसी भी function का inverse तभी exist करेगा जब कभी भी उसका when the function is one one as well as onto. अगर ऐसा है तो उसका inverse exist करेगा, otherwise it won't. So I hope it is fine. ठीक है? अगर किसी को नहीं समझ में आया है, you can drop a message in the chat box. Okay. Now coming to a more important thing now, right? One one कैसे prove करते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, right? Previous classes में हमने इस बात को पढ़ रखा है. जिन लोगों ने अभी class join की है आज से, I would request आप एक बार please, मैंने link आपको group पे share कर रखा है, right? अगर आपके पास नहीं है, you can drop a personal message to me. I'll share the links to you. There are four classes which have been recorded. This is the fifth one which I'm recording. Like classes almost 8-10 शायद 8-10 हो चुके हैं, right? उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं. तो मैं सारी क्लास रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, राइट. सिर्फ मुझे लगता है जिसको जिसके बेसिक्स रिकॉर्ड करने हैं ताकि आपके रिवीजन के लिए काम आए, ठीक है. जो हमने क्वेश्चंस और बहुत सारे डिस्कस किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं रखी है, अननेसेसरली कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा आई कैन नॉट सेव एनीवेज, राइट. तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए थी, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. वन वन कैसे प्रूव करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, इसकी बात मैं प्रीवियस वीडियोज में कर रखा हूँ, तो मैं अभी फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है. रिविजन क्लासेस लूंगा मैं आफ्टर 7 or 10 days फ्रॉम नाउ, तो फिर हम उसकी बात भी कर लेंगे, दोबारा से उसकी बात कर दूंगा. नाउ आई विल कम टू अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इनवर्स फंक्शन इज द ग्राफ, राइट. हाउ टू डील विद द ग्राफ, इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल ही लूंगा, राइट. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ थिंग इज गो बाय एग्जाम्पल, राइट. किसी भी चीज को रटना नहीं है. सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी एक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन लेते हैं, ठीक है. लेट्स से fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है. अब यहां तक हमें एक बात तो पता लग चुकी है कि f इनवर्स x क्या होगा, राइट. f इनवर्स x निकालने के लिए मैंने क्या बताया, कुछ नहीं, fx को y ले लो, ठीक है. fx को तुमने y ले लिया और x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो क्लियरली दिख रहा है मुझे ये y माइनस 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, y माइनस 4 अपॉन 3. दैट मीन्स आई कैन से दिस इज y अपॉन 3 minus 4 by 3, right? I get f inverse x as this. I hope it is fine. Now I'm talking about the graph. How does the nature of the graph change? ठीक है? जो main function है, उसका graph कैसा होता है और उसके inverse का graph कैसा होता है? And believe me, this would work for every function. कैसा भी function हो, जौन सा भी function हो, ये तो मैंने linear function लिया है. It could have been exponential, it could be logarithmic. कोई सा भी function है ना, ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर वट एवर द इज द आउटकम नाउ विल बी ट्रू फॉर एवरीवेयर, ठीक है. ध्यान से देखो, अब मैं इसका ग्राफ जब प्लॉट करूंगा, तो ग्राफ प्लॉट करते हुए मैं क्या करूंगा, ग्राफ प्लॉट करते हुए मैं एफ एक्स को वाई लेता हूँ, ठीक है. तो आई गेट वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4. नाउ वाई इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, राइट. अच्छा, मैंने यहाँ पे y ये गलत दिखाना, जब यहाँ पे x है तो यहाँ मुझे y नहीं है, x लिखना चाहिए था. इफ had it been f inverse y, तो यहाँ पे f इनवर्स y होता, बट यहाँ पे अगर वेरिएबल x है तो मैं वेरिएबल को x कर दूंगा, ठीक है. सो आई विल रेक्टिफाई दैट, है ना. हमने x is equal to y minus 4 लिखा था, आई होप दैट इज ओके. तो अब ये मैं इसकी ग्राफ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है. आई वॉन्ट टू सी वट इज द ग्राफ, क्योंकि हमने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है. दिस इज वेरी मच विजिबल टू अस दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म y is equal to mx plus c. mx plus c में m is the slope. I hope you understand the slope is 3. And c, which is here in this case is 4, is the y-intercept.
So this point will be here, right? This point will be what? 0, 4. और m इसका कितना होने वाला है? 3. m पॉजिटिव है, इसका मतलब tan theta, right? Theta is less than 90 degree, because if the theta is less than tan theta, I hope ये सारी बातें आपने 11th class में शायद ठीक से पढ़ी होंगी, right? So this is going to be यहाँ पे जो भी theta है, whatever is the theta, I'm sure that you know that tan theta in this case is equal to 3, ठीक है? Which is the slope of the straight line. तो ये जो ग्राफ मेरे पास बन रहा है, y is equal to 3x plus 4 is this graph, right? मैंने इसका एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका y एक्सिस पे कितना है? 0.4. अगर x पे आप देखना चाहो तो ये भी देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं. यहाँ पे y 0 हो जाएगा, सो दैट पॉइंट वुड बी -4/3, 0. ठीक है, एक रफ ग्राफ है, तो बहुत अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. अब सिमिलरली अगर मैंने इसका इस इनवर्स का बनाना है तो मैं क्या करूंगा, f इनवर्स x की जगह पे मैं y लूंगा. I take y, this is equal to x by 3 upon 4 by 3. अगर मैंने इसका ग्राफ देखना है, इसमें भी अगेन कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, राइट? ये मैंने x एक्सिस बनाया, ये मैंने y एक्सिस बनाया और इसका मैंने ग्राफ देखा, ठीक है? तो y इसमें कितना है, y is -4/3, राइट? इसमें आपका स्लोप कितना है, 1/3, और आपका ये y इंटरसेप्ट कितना है, -4/3, -4/3 समवेयर हेयर, और स्लोप इसका जो है वो 1/3 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कहीं इधर को होगा, बिकॉज इसका स्लोप ना x की तरफ ज्यादा होगा ना, बिकॉज वेन एवर टैन थीटा इज लेस, राइट? इन दिस केस टैन थीटा इज 1/3, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट द इंक्लिनेशन वुड बी स्लाइटली लेस, ओके? सो दिस वुड बी द ग्राफ. अगर आप इन दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइन करो, राइट, दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, जब y 0 है तो ये आपका शायद 4.0 हो जाएगा, राइट? दिस वुड बी 4.0. और मैं जो इसकी इमेज थी, अगर मैं उसको भी यहीं पे प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसी सी थी, समवेयर लाइक दिस, राइट? ये कुछ ऐसी थी, और ये वाला पॉइंट कितना था मेरे पास, 0.4, ठीक है? अगर आप इसको आगे तक प्रोड्यूस करोगे, अगर आप इन दोनों को आगे तक प्रोड्यूस करोगे, समवेयर दे आर गोइंग टू मीट, राइट? दे आर डेफिनेटली नॉट पैरेलल लाइंस, राइट? दे विल समवेयर मीट. पैरेलल लाइंस के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, आपने 11th में अगेन पढ़ रखा था कि इनके स्लोप्स इक्वल हो चाहिए. स्लोप्स इक्वल नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, ठीक है? जब आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे ना, आई एम सॉरी मैं डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाया, ऑल्दो आई हैव ट्राइड हार्ड, बट जब आप इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये जो लाइन है, what is this line? This line is x is equal to y, right? This line is x is equal to y. ये जो line है x is equal to y, ये इसके symmetrical होती है, right? जितनी value इधर है उतनी ही इधर होती है, या फिर आप कह सकते हो कि y is equal to x पे इसका mirror image बनता है. Whatever is the mirror image, that is the graph of the inverse function. Graph से कहीं ना कहीं आपकी understanding भी improve होती है और आपको values भी, खास करके जो लोग competitions को face करने वाले हैं, जो लोग आगे competition IIT NDA इस तरीके से exam के बारे में सोच रहे हैं, उनको इन चीजों की understanding, हालांकि सबके लिए जरूरी है, understanding is important for everyone, right? बट हाँ, जिन लोगों का competition पे नजर है उनको तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप कभी फंक्शन के बारे में समझ रहे हो और उसके इनवर्स के बारे में समझ रहे हो तो सिंपली वैल्यू वाइज क्या होती है, डोमेन बिकम्स द कोडोमेन एंड कोडोमेन बिकम्स द डोमेन, ठीक है? फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए, इस पे भी हमने बिल्कुल बेसिक बातें की हैं. अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं ये सब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी, ठीक है? सो दैट यू डेवलप द अंडरस्टैंड बिफोर वी एंटर इनटू द चैप्टर, यू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द बुकिश नॉलेज व्हिच इज देयर, ठीक है? So I hope this was the basic thing, right? अगर मैं आपको यहाँ पे एक example और दूँ graph को ही लेकर के, suppose करो जैसे ये मैं एक function आपको लिख के देता हूँ, I'm sorry मैंने erase कर दिया बिना आपसे पूछे हुए, तो in case चलो I'll record कर रहा हूँ तो मैं YouTube पे upload कर दूँगा, ठीक है? अभी मैंने इसको वो नहीं किया था, मतलब cut नहीं किया था, मैंने erase कर दिया. Suppose करो अभी तुम्हारे पास एक function है, राइट? एक फंक्शन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड यू हैव एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर दिस, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? इजंट इट दिस पैराबोला? ये पैराबोला कैसा होता है? दिस पैराबोला इज एन अपवर्ड पैराबोला, कुछ ऐसा होता है,
right? Symmetrical होगा, quite obvious. थोड़ी सी diagram, as usual, मैं बहुत, I'm not good with drawing. So, math teacher is generally not good with drawing. So, y is equal to x square, right? This is the function, मैंने ये draw किया. अब अगर बिना किसी formula के, बिना किसी understanding, सिर्फ basic हमारी अपनी understanding से, अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि बताओ, इसका inverse का graph कैसा होगा? तो स्ट्रेट अवे हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसके अराउंड, राइट, इसके अराउंड जो भी हमारा इमेज है, राइट, वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अराउंड जो भी हमारा इमेज है, अब समझने की बात है कि इसका इनवर्स कितना होगा बेटा. बड़े आसानी से ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी दैट द इनवर्स इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एक्स, राइट, अंडर रूट ऑफ एक्स. क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स है तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि अंडर रूट ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन द एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इस साइड की इमेज तो गई, राइट, इसकी इमेज तुम इधर क्या बनाओगे, राइट, इसके अलोंग तुम क्या इमेज बनाओगे, ठीक है, ये इधर ही कहीं पे आएगी, ठीक है. अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं तो एक तो ये ऊपर जाएगी, ठीक है, मैं इसको, चलो कलर चेंज कर दूंगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इनवर्स, राइट. अगर मैं इसमें इसकी इमेज बनाता हूँ किसके अलोंग, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन के अलोंग, ठीक है, ये इसकी इमेज इधर आ गई और ये वाली इमेज किधर जाएगी भाई, ये इधर कहीं जाएगी. तो ये जो इनवर्स होगा, दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ फॉर एफ इनवर्स एक्स, राइट, और ये जो लाइन है हमारे पास, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एक्स, व्हाटएवर यू वांट टू से. और जो पैराबोला था दैट वाज योर ओरिजिनल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यू से एफ एक्स इज इक्वल टू, or you say fx, right? Straight away, this is the graph for f. Are you able to see all this? The internet was down. I don't know till what point. पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इंटरनेट कब ऑफ हुआ. ये सारी बातें अभी समझ में आ रही हैं. All of you are online now, right? चलो बच्चों, सो आई विल प्रोसीड फ्रॉम हियर, आगे आगे बढ़ते हैं. मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर कभी हम लोग कोई भी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन आ जाए, अगर हमें उसके इनवर्स को समझना है, तो सिंपल से मैंने आपको तरीका बताया. एफ एक्स का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, राइट, एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ सिंपली क्या हो जाएगा कि आप उस वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके अलोंग जो भी आपका राइट, उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. ओके, so I hope this point is fine and I'll proceed to the next thing. Now next we have some properties. Right now we are proceeding to some bookish knowledge jo hume develop karni hai. The inverse of a bijection is unique, right, is baat ko humne abhi example mein bhi samjha tha. Unique ka matlab kya hota hai, it is only one. Kisi bhi bijection ka agar hum log inverse nikalte hain, it is always unique, kyunki one one hota hai, to obviously baat hai, one one bhi aur on two bhi hai, so it has to be unique. The inverse of a bijection is also a bijection. अगर आप कभी किसी भी bijection का inverse लोगे, तो even that is also a bijection. For the third point क्या कि इन सबको भी example से करेंगे बेटा. पहले एक बार read कर लेते हैं, फिर इनको अभी हम लोग अपने जो आरडी शर्मा के unsolved questions हैं, उसपे apply करके देखेंगे. ठीक है? If f is such that a to b is a bijection and g is such that b to a is the inverse of f, right? ये तो आपके function, ये आपका function है और ये g क्या है, उसका inverse है. ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, जो इसका डोमेन था वो यहाँ कोडोमेन डोमेन बन गया और डोमेन कोडोमेन बन गया. इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन फॉग इज इक्वल टू वाई बी. अब ये बात भी समझ में रहनी चाहिए. ठीक है, कभी भी अगर हम लोग इनवर्स और इसका ऐसा लेते हैं, अगर हम इसका कंपोजिशन बनाते हैं, फॉग बनाते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आई बी. व्हाट इज आई बी? आई बी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, राइट, ऑन बी. किस सेट पे? सेट बी पे आइडेंटिटी फंक्शन होता है. और अगर गॉफ लेंगे तो गॉफ विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए. ठीक है, इन चीजों को हम बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे जब इनपे एग्जांपल्स करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट गो थ्रू द प्रॉपर्टीज क्विकली एंड देन वी विल कम टू क्वेश्चंस. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज इफ एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज फ्रॉम बी टू सी आर टू बाइजेक्शंस. दोनों के दोनों क्या है? बाइजेक्शंस है, वन वन भी और ऑन टू भी है. तो गॉफ जो होगा विच इज फ्रॉम ए टू सी, राइट, वी अंडरस्टैंड कंपोजिट फंक्शन कहां से कहां तक होते हैं, राइट, एफ का जो भी डोमेन है और जी का जो भी कोडोमेन है, सो इट इज फ्रॉम ए टू सी, इज अ बाइजेक्शन. एंड Goff inverse is equal to F inverse of G inverse. ये ध्यान रखना, right? This is important. You can take a screenshot if you want. ये question में काफी apply होगा.
Fifth point, if f is a function such that from a to b and g is from b to a, b two functions such that gof is equal to ia and fog is equal to ib, then f and g are bijections. ये actually अगर आप ध्यान से देखें तो ये property number three का vice versa है, right? Property number five कुछ नया नहीं है, ये property number three का just vice versa है, okay? ये वहाँ पे क्या दे रखा था कि if f is the function, then g is the inverse of that function. Let me show you. Right, ये दे रखा था ना, if f is the function and g is the inverse of the function, then fog is ia and gof is ib. Right, exactly ये उसका reciprocal इन्होंने बता रखा है कि अगर gof is equal to ia and fog is equal to ib, then they are inverse. Right, डर तो कोई नई बात नहीं है, ये third का exactly opposite कह रहे हैं. अगर आपके पास दो functions हैं, right, एक function है f जो invertible है, तो जो inverse का inverse होगा, that will again be equal to the f. Quite obvious. अभी हमने कई सारे examples किए. जैसे सपोज करो f ऑफ 1 अगर 2 है, ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ 2 कितना होगा? डेफिनेटली 1 होगा. और अगर हम लोग f इनवर्स ऑफ 2 का इनवर्स कर रहे हैं, राइट, इसका फर्दर एक और इनवर्स कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे भाई? इसको हम लोग ऐसे डील करेंगे कि f इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1, ठीक है. और इसका हमें फिर फर्दर इन्वर्स करना है, फर्दर इन्वर्स करना है तो फिर कितना हो जाएगा? इट विल बी अगेन 2, ठीक है. तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए. ओके, नाउ वी हैव, लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास है, आपको पता है किसी भी टॉपिक को जो हम लोग फर्स्ट क्लास में करते हैं तो बेसिक्स पे हम हमेशा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो दैट वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, राइट. नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस और देखते हैं. अभी तक हमने एक समराइज कर लेते हैं. कभी भी आपका जो bijective function होता है वही invertible होता है, इतनी बात हम लोगों ने अभी तक समझी है, right? Any function is invertible only when it is bijective. अगर वो bijective नहीं है तो वो invertible नहीं है, ठीक है. इस चीज की understanding हम लोगों ने अभी तक develop की है. आओ चलो देखते हैं. ये पहला question है exercise 2.4 का. State with reasons whether the following functions have inverse. Simple question से start करेंगे, right? ये क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक. तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि यहाँ पे डोमेन में हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, और कोडोमेन में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, विच इज 10. फंक्शन बोल रहे हैं कि f ऑफ 1 10, f ऑफ 2 10, f ऑफ 3 10, f ऑफ 4 10. तो अगर इस बात को बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझें, ये रहा आपका 10 एंड यू हैव 1, 2, 3 एंड 4. 1 इज मैप्ड विद 10, 2 is mapped with 10, 3 is mapped with 10, 4 is mapped with 10. Now, definitely it does not satisfy what? That it is not a one-one function, it is a many-one function. Is it a valid function? Yes, it is a valid function. ठीक है, हम लोग many-one function valid होता है. ये कोई भी function invalid कब होता है बेटा? याद कराऊं, पहले second या third class में कराया था. कभी भी कोई भी function invalid कब होता है? अगर f of 1 हमारे पास 2 दे रखा है और एक चीज और कह रहे हैं कि f of 1 is equal to 4. Now this is not allowed. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए. डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है, बट डिफरेंट सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं पॉसिबल है. दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, ध्यान रखना, ठीक है. तो यहाँ पे खैर इस क्वेश्चन से इसका लेने देना नहीं था, बट हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बात डिस्कस की. 1 पे अगर 10 है, 2 पे 10 है, 3 पे 10 है, 4 पे 10 है, तो इट इज वेरी क्लियर that it is not a one-one function and that is why the inverse does not exist. इन्होंने बोला state with reasons whether the following functions have inverse. No, it does not have an inverse. Why? Because it is not a one-one function. It is not bijective, right? One-one नहीं है तो bijective कैसे होगा? ठीक है? क्या अगर मैं तुमसे बोलूँ बताओ, is it onto? Yes, it is definitely onto. Why? Because it has got codomain as 10 and 10 has got the range, right? Range is exactly equal to the codomain. So it is definitely onto, but it is not one one. That is why it is not invertible. Coming to the second easy question, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hamare paas domain mein 5, 6, 7, 8 hai, aur range mein 1, 2, 3, 4 hai. 5 is mapped with 4, 6 is mapped with 3, 7 is mapped. Now, the moment we have different pre-images of the same image, it becomes a many one function. Many one होते ही मैं आगे check करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अब तो समझ में आती है बातें. अच्छा, understanding के लिए अगर थोड़ी discussion और कर लें, ये बताओ one one तो नहीं है, many one है, अब क्या ये onto है क्या? देखते हैं. Images हमारे पास range में क्या है? 2 है, 4 है, 3 है, 4 है.
जबकि हमारे पास कोडोमेन में क्या था, 1 2 3 4, 1 हमारे पास रेंज में है ही नहीं, तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, राइट? इट इज नीदर, इज इट अ वैलिड फंक्शन? यस इट इज अ वैलिड फंक्शन, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट 5 6 7 8 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए हमारे पास दो इमेजेस आ रही हो, ठीक है? इसके बारे में कितनी बातें कहूंगा, इसका सबसे पहले तो ये, इट इज नॉट इनवर्टेबल, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. Secondly, it is not even on to function. ये bijective ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आनी चाहिए, okay? और मैं इसके बारे में और क्या बात आपसे कर रहा था, और मैं इसके बारे में आपसे ये बात कर रहा था कि ये on to और 1 1 1 1 समझ में आ गया, on to भी समझ में आ गया. क्यों? Because 1 2 3 4 हमारे पास codomain में है और range में हमारे पास कितना है, 2 4 3 है, right? It is just 2 3 4. One is missing in the range. As one is missing in the range, so it is definitely not on to function. Coming to the third one. 2 3 4 5 7 9 11 13, this is the codomain, this is the domain. Okay, function dekhte hain. 2 is mapped with 7, 3 mapped to 9, 4 mapped to 11, and 5 mapped to 13. Okay, 2 3 4 5, dhyan se dekh lo, jo values de rakhi hain wo domain se hi hai na, ha. 7 9 11 13, codomain se hi hai na, ha. 1 1 hai, yes. On 2 hai, definitely yes. Why? The range has 7 9 11 and 13, and that is the codomain. So yes, it is a bijective function, and that is why it is invertible. So I hope that was easy and all of you could understand. Okay, now let us proceed ahead to few more questions, right? Some of you have asked the doubts as well. I have those doubts. So abhi aisa karenge, abhi class ke baad hi isko hum log discuss kar lenge. Achha. Sir, the book says third part of the first question is bijective. Yeah, definitely it is bijective, beta. As it is bijective, and that is why the inverse would exist. Bijective ka matlab kya hota hai? 1 1 as well as on 2. Theek hai? 1 1 bhi hai, 2 ke liye hamare paas 7 hai, 3 ke liye 9 hai, right? Every element of the domain has only one image. Theek hai? And every, or you can say that every element of the codomain has only one pre-image. So it is definitely 1 1. And codomain, और आपका जो है codomain range के equal भी है, तो ये bijective तो है ही है. And whenever it is bijective, then it is invertible. ठीक है? I hope it is clear, Samriti. Okay, fine. Now let us also discuss question number 2. Right? बिल्कुल basic तरीके से कर रहे हैं. I hope you people are getting all this. In case you are not, don't hesitate in typing a message in the chat box. Okay? Let's see question number 2, children. Question number 2, find f inverse if it exists. Now, if it exists ka matlab kya hai? Ki agar wo function bijective hai to exist karega, otherwise nahi karega. Simple hai. Theek hai? Is pe board mein matlab conformity se aap agar dekhoge to har second year mein 4-6 marks ka question isme de hi dete hain board mein. Right? और IIT और NDA के questions to main definitely jab class ki second ya third class hoti hai to main aapse wo question bhi discuss karta hu. तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? बोर्ड में जो 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इतने इजी तो नहीं आते हैं. अभी आगे दिखाऊंगा इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बोर्ड के भी दे रखे हैं जो 4-6 मार्क्स की लेवल के हैं, राइट? उस पर हम बात करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से ये 2-3 वाले भी कर लेते हैं. ठीक है? तो जहां भी ना समझ में आए, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर डाउट्स, राइट? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, हमें एफ इनवर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ मत करो, सिंपली ये देख लो 1 1 ऑन टू है कि नहीं. ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास ए, ये रहा तुम्हारे पास बी. ए में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? इट इज 0 -1 -3 and +2. और बी में हमारे पास है -9 -3 0 and 6. And the definition is fx is equal to thrice of x. Okay. तो 1 1 के लिए तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है ना. 0 पे क्या है, जब मैंने x वैल्यू 0 रखी तो ये कितनी आ गई, 0. -1 रखी तो कितनी आ गई, -3. -3 रखी, अच्छा ये -9 है कि +9 है, लेट मी चेक दैट अगेन. इट इज -9. देखिए -9 है भाई, ये मैंने बहुत चिपका दिया है, अभी ये -9 है. ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पे -3 रखा, x की जगह -3 रखा, तो ये कितना आ गया, -9 आ गया. और जब 2 रखा तो ये 6 आ गया. इज इट 1 1? डेफिनेटली यस. इज इट ऑन 2? डेफिनेटली यस.
अगर ये 1 1 भी है और on 2 भी है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस इट विल एग्जिस्ट. नाउ द बात ये थी कि इसका इनवर्स हम लिखेंगे कैसे. ठीक है, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, एफ इनवर्स कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, ऐसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो. ठीक है, जो डोमेन है वो तुम्हारा अभी रेंज बन जाएगा और कोडोमेन तुम्हारा डोमेन बन जाएगा. तो ये मैंने माइनस नाइन के लिए लिखा पहले. माइनस नाइन के लिए मेरे पास प्री इमेज कितना है? माइनस थ्री, राइट. फिर मैंने थ्री के लिए लिखा, ठीक है, थ्री था या माइनस थ्री था? माइनस थ्री था. तो ये माइनस थ्री, माइनस थ्री के लिए मेरे पास कितना है? माइनस वन. उसके बाद फिर मैंने जीरो के लिए लिखा, तो जीरो का मेरे पास प्री इमेज कितना है? इट इज जीरो ओनली. ठीक है, और एक एलिमेंट और है मेरे पास, कौन सा? सिक्स, राइट. तो अगर सिक्स के लिए मैं देखूं तो सिक्स के लिए कितना आ रहा है? टू. तो एफ इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करता हूँ टू के फर्स्ट पार्ट के लिए, तो बड़े आसानी से वी कुड हैव रिटन दिस. इट इज इनवर्टेबल एज इट इज अ बाइजेक्टिव एंड दैट इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. आई होप दैट इज इजी. सेकेंड क्वेश्चन अगेन, राइट. अब ये देखना इनवर्टेबल है कि नहीं. ठीक है भाई, चलो देखते हैं. इसके लिए अगेन हमें क्या चेक करना पड़ेगा? वन वन ऑन टू चेक करना पड़ेगा. चलो ये मैं इसको उठा के इधर नीचे रख देता हूँ. ओके, एंड आई विल मेक अनदर वन फॉर दिस. ये मेरे पास ए है और इधर मेरे पास बी है. ए में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, लेट मी राइट दैट. ए में वी हैव 1 3 5 7 9 1 3 5 7 and 9. In B we have 0 1 9 0 1 9 25. थोड़ी यार जगह कम पड़ रही है, चलो इसको गोले को बड़ा कर लेते हैं. 25 49 and 81. और डेफिनेशन क्या दी इस बार इन्होंने? इस बार इन्होंने डेफिनेशन दी दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, मैंने x की जगह पे 1 रखा, 1 के लिए कितना आ गया भाई? 1 के लिए 1 आ गया. 3 के लिए कितना आ गया? 3 के लिए 9 आ गया. 5 के लिए कितना आ गया? 5 के लिए 25 आ गया. 7 के लिए कितना आ गया? 7 के लिए 49 आ गया. और 9 के लिए 81 आ गया. सब कुछ ठीक है, इट इज डेफिनेटली अ 1 1 फंक्शन. बट ये जो 0 है इसका क्या करें? इस 0 क्या करें? ये जो जीरो है ना, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. दिस इज अ रेड सिग्नल, राइट. ये क्या बता रहा है? दैट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. जो हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है, राइट, विल से दैट जीरो डज नॉट बिलोंग टू द रेंज, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, एंड हेंस द इनवर्स वोंट एग्जिस्ट. ओके, एफ इनवर्स does not exist. I hope you are getting all this, right? That's an easy question again. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? F inverse does not exist. F inverse लिखने की जब exist ही नहीं करता तो कैसे लिखेंगे? Okay? Let's do question number 3 as well. ठीक है? Second class में ध्यान तैयार रहना, थोड़ा सा practice करके आना, so that you people are comfortable with these things जो हमने आज करा है. मैं इसका वीडियो भी कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं. ठीक है, तो कुछ अगर रिवाइज करना हो रिवाइज भी कर लेना, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एक्सरसाइज 2.4. जिनके पास आरडी शर्मा बुक नहीं है, मैं उनके लिए हमेशा स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल देता हूं, तो आज भी मैं ग्रुप पे आपके लिए ये डाल दूंगा. इनकेस मैं भूल जाऊं तो प्लीज याद दिला देना यार. और देखो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट अस डू द थर्ड वन. द थर्ड वन, कंसिडर एफ सच दैट 1 2 3 2 ABC. ओके, 1 2 3 2 ABC, फाइन. अभी एक क्वेश्चन ईशा ने पूछा था. ईशा इज देयर ऑनलाइन? लेट मी चेक. ईशा ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ऑल्दो मैं भी सारे डाउट्स आपके नहीं देख पाया हूं. आई विल कीप अ सेपरेट सेशन फॉर योर डाउट्स. ईशा इज देयर, राइट. आपने एक क्वेश्चन पूछा था बेटा आरडी शर्मा बुक का, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था. अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद उसको ही डिस्कस करूंगा. दैट्स अ प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन एज वेल, राइट. वो पिछले कई शायद 5-6 साल पहले IIT में पूछ रखा है, तो मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19 आई गेस. लेट मी चेक. ये क्वेश्चन आपने अभी पूछा था ना, 13th क्वेश्चन, राइट. ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ. आई विल जस्ट डिस्कस दिस, राइट. अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो आई वोंट बी एबल टू टेक अप ऑल द डाउट्स इन टुडेज सेशन,
I'll schedule a separate doubt session, just the way we did it last week. आपके ढेर सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए तो हमने एक डेढ़ घंटे का पूरा डाउट का सेशन रख लिया था, तो वैसे ही इस हफ्ते भी कर लेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी कर लेंगे. सो लेट्स सी, वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3. तो ये मेरे पास एफ ऑफ फंक्शन है, एक एफ फंक्शन जहाँ डोमेन क्या है 1, 2, 3, को डोमेन क्या है एबीसी, और जी आपके पास एक फंक्शन है एबीसी जहाँ पे आपके पास को डोमेन में क्या है एप्पल बॉल एंड कैट. इज डिफाइंड एज एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, राइट. थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए. सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट एफ इज अ फंक्शन सच दैट व्हेन यू पुट 1 यू गेट द आउटपुट एज ए. सिमिलरली 2 के लिए बी, 2 के लिए बी और 3 के लिए सी. ठीक है, ये बातें अब मेरे ख्याल से हम सभी को समझ में आती है. जी एक फंक्शन है वेयर ए से एप्पल हो रहा है. ओके, दैट इज फाइन. आई एम राइटिंग जस्ट ए पी फॉर एप्पल. एंड बी के लिए बॉल हो रहा है, आई एम राइटिंग बी एल फुटबॉल. और सी के लिए मेरे पास कैट हो रहा है. ठीक है, दैट इज फाइन, कैट. दिस इज द डिफाइंड थिंग. नाउ शो दैट एफ जी, फॉर एफ एंड जी गॉफ आर इनवर्टिबल. Show that F, G and GOF are invertible. See, F is invertible. Why? Because it is an 1-1 function as well as on-2 function. Right? हमारे पास जितने भी value co-domain में है, वो सब की सब range में है. तो F is invertible and G is invertible. That is not a problem. ठीक है? अगर आप school exam के हिसाब से, आपके कुछ लोगों के mind में चल रहा होगा कि सर इसको school exam में represent कैसे करेंगे? So ठीक है, that is a very much valid point. आप इसको लिख के represent करोगे इस तरीके से. Right? F is right, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, right, from equation 1. ठीक है, in your school exam how would you represent it in the answer sheet, right? All, because कुछ चीजें होती हैं हमें समझ में तो आती हैं, but exam में represent कैसे करें ये बड़ी problem होती है. हमारी understanding अच्छी होती है but represent करना मुश्किल होता है. तो representation is also equally important. Okay, so from equation 1, f is an bijective function. ठीक है, f is an bijective function. Handwriting थोड़ी ठीक कर लेना. I've written in caps lock. You write it properly. मेरा caps lock on है. Okay. तो show that f and g and gof are invertible. तो f is invertible, not a problem. Similarly, आप from 2 से ये बोलोगे that 2 is है ना, and hence you'll write hence f is invertible. ठीक है, सिमिलरली यू विल डू इट फॉर जी. ठीक है, तो सेकंड भी आप कर लोगे. एग्जैक्टली यही वाली चीज जी के लिए लिख देना, वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, आई विल टॉक अबाउट द अदर थिंग व्हिच इज गॉफ, राइट. मैं इसकी बात करूंगा, ये गॉफ की बात करूंगा. ठीक है, तो चलो थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा अपने लिखने के लिए. लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर. Okay, I hope that is not disturbing you. Moved it up. Okay, now I'll talk of GOF. They are saying we need to prove that GOF is invertible. So first thing that I'm going to do is I'll be calculating what is GOF here. And as we have done composite function, we understand it is nothing but G of fx, right? G of fx. अब देखो भाई, अगर तुम थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ तो यहाँ जो इसमें क्या है, एफ का जो सेकंड फंक्शन है उसका जो भी हमारे पास डोमेन है, एफ का डोमेन क्या है 1, 2, 3, वही गॉफ का डोमेन होता है. तो मुझे जो गॉफ निकालना है बच्चों, वो किसका निकालना है, सिर्फ 1, 2, 3 का निकालना है. पहली बात तो ये हमें समझ में आनी चाहिए. जो भी सेकेंड फंक्शन होता है उसका जो भी डोमेन है कंपोजिट फंक्शन का, वही डोमेन होता है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर गॉफ 1, गॉफ 2, गॉफ 3. अब समझने की बात बहुत सिंपल है. जब मैं gof 1 लगा रहा हूं तो ये क्या है, g of f of 1, और f of 1 कितना है, f of 1 is a. similarly f of 2 कितना है, f of 2 is b, और f of 3 कितना है, f of 3 is c. now going by the second definition, as we are calculating gof, तो g of a ये कितना हो जाएगा, apple. ये क्या हो जाएगा भाई, ball. और ये कितना हो जाएगा, cat. So now, as we understand that this function is again 1-1 as well as on-2. कहाँ से कहाँ तक है? You can, again, अगर मैं school exam point of view से बात करूँ,
तो आप इसको सेट ए का नाम दे दो, राइट? यू कैन से दैट दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेट सी. सो गॉफ इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? गॉफ इज अ फंक्शन सच दैट इट इज फ्रॉम ए टू सी. आई होप दैट इज क्लियर. And it is definitely a one-one function as well as onTo function. So GoF is bijective and hence it is the inverse exist. So that was one part of the question, right? Show that F, G and GoF are invertible. We have done that. Okay, आगे बढ़ेंगे बच्चों. Find F inverse, G inverse. अब ये सब देखो बच्चों वाला काम रह गया. ठीक है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं है. अगर मैं F inverse की बात करूँ, F inverse में क्या लिखूंगा भाई? F inverse में क्या लिखूंगा? यहाँ मैं ए लिख दूंगा, यहाँ पे वन लिख दूंगा, यहाँ मैं बी लिख दूंगा, यहाँ पे टू लिख दूंगा. ये तुम इरेज नहीं करोगे, तुम प्रॉपरली लिख देना, ठीक है? यू कैन नॉट इवन इरेज दैट व्हेन यू यूज पेन देयर. सो सिमिलरली जीन वर्स भी आप लिख दोगे, राइट? दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. हाँ, द लास्ट पार्ट दे आर सेइंग एफ इनवर्स गॉफ इनवर्स. गॉफ इनवर्स भी कोई टेंशन नहीं है, राइट? गॉफ इनवर्स भी आप लिख दोगे. ये सब चीजें आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने वाली, राइट? गॉफ इनवर्स की बात करें तो मेरा डोमेन कितना है भाई? वन. वन पे आउटपुट क्या है? एप्पल. सॉरी, दैट इज गॉफ. गॉफ इनवर्स लिखना है ना, तो यहाँ मेरे पास डोमेन क्या हो जाएगा? एप्पल. और आउटपुट क्या होगा? वन. सिमिलरली द नेक्स्ट विल बी बॉल एंड द आउटपुट वुड बी टू, एंड द थर्ड वन वुड बी कैट एंड द आउटपुट वुड बी थ्री. दैट इज गोइंग टू बी गॉफ इनवर्स. Okay, show that GoF inverse is equal to F inverse of G inverse. Right? Again, yehi sari cheeze. GoF inverse, ab iska inverse loge to fir se ab kya banega tumhare paas? 3 ke liye cat, right? GoF inverse, right? GoF inverse kitna hai mere paas? Apple ke liye 1, ball ke liye 2 aur cat ke liye 3. Ab ye kya bol rahe hain? F inverse of G inverse. Theek hai, to F inverse hame pehle se pata hai, of iska G inverse nikalenge, hai na? To ye thoda sa theoretical hai aur bade aasani se hum is part ko bhi kar sakte hain. Is it okay, children? Let me see your hands if it is fine. अभी तक मैं काफी चीजें explain कर रहा हूँ इतनी देर से. Let me see your hands now if it is fine till this point. Everyone, three people still have problem. Abhishek, DK and Adya. Shall I repeat this, beta? Okay, so it's fine. चलो ठीक है. I'll proceed. Yes, I understood. Okay, okay, fine. So I'll proceed to one last question for today. Right? Any question of your choice, whatever you say. Achha, kisi ka chat box mein message aaya. Please repeat. ठीक है, मैं इसको अभी अलग से repeat कर दूंगा अक्षत. ठीक है, मैं अभी upload कर दूंगा ना, एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाता है. Very good. Otherwise पूछ लेना दोबारा से, no issues. ठीक है, अभी ये record हो रहा है ना, तो बार बार एक चीज repeat नहीं करते. आप इसको एक बार देख लेना YouTube पे. You see, I have one very personal complaint from all of you. In case you are watching a video on YouTube, why don't you comment? See, that give me, you know, that gives me the encouragement. Kya bhai, chalo bache comment kar rahe hain, so I should make more and more videos. Please make sure that you comment on the videos. Give some good comments, yaar. Bade comment kya karo? Itti itti mehnat karta hu main tum logon ke liye. Please make sure that you have. I read some good comments from your side. Okay, let's do one more. Let this be the last question for today. ठीक है, उसके बाद फिर और देख लेंगे. Okay sir, fine. चलो देखो कौन सा क्वेश्चन देखें, कोई सा भी देख लेते हैं. फोर्थ ही देख लें, थोड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है देख के. Let us see this. Let us see this. अच्छा, किसी का सजेशन आया. 21. अरे सीधा straight to 21. My God. Straight to 21. Someone has asked question number 21. Chalo bhai, 21 hi kar lete. No problem. Okay, that is fine. Your request is always taken care. So I'll straight away come to 21. Ek question karna hai, toh why not the question of your choice. Let's see 21. Let f be a function from R to R. This is a function from real number to real number. The domain is a real number. The codomain is a real number. Theek hai? Just a moment. The domain is a real number and the codomain is a real number such that fx is equal to cos of x plus 2. Is f invertible? Justify your answer. Okay, easy question.
और अभी हम लोग इसको पढ़ने भी वाले हैं आगे, कि आप कभी भी जब ये देखोगे ना, कॉस जो होता है ना, या कोई भी जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन. एंड व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन? दैट रिपीट्स इटसेल्फ, राइट. उसकी वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है. आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है पीरियोडिक फंक्शन, राइट. मोस्ट ऑफ यू आर, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स, राइट. एनीवन फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स? नो, आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर मैथ्स स्टूडेंट्स एंड पीसीएम स्टूडेंट. तो ध्यान रखना भाई, कभी भी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है. एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? दैट द वैल्यू इज रिपीटेड, राइट. अगर मैं, अगर ये जो फंक्शन है, राइट, द गिवन फंक्शन इज cos ऑफ x प्लस टू, cos ऑफ x प्लस टू, ठीक है. अब ये x प्लस टू, ठीक है, टू इज एनी वैल्यू, राइट, कोई सी वैल्यू होगी, है मुझे नहीं मालूम, राइट, रेडियंस में दे रखी है. अब x की किसी वैल्यू के लिए ये वैल्यू रिपीट होगी ना. जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ f ऑफ 2 पाई प्लस 2, डज, इजंट दैट थिंग इक्वल टू 4 पाई प्लस 2? टेल मी. डेफिनेटली यस. चाहे 2 पे जो मर्जी वैल्यू, फर्क ही नहीं पड़ता. ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी cos ऑफ 2 एंड दिस विल बी अगेन इक्वल टू व्हाट? cos ऑफ 2. Yes or no? I hope you have done that part of trigonometry. Okay? So cos of 2 will be equal to cos of 2 for different values of x. The value of x is 2 pi plus 2. The value of x is 4 pi plus 2. I can also write 6 pi plus 2, 8 pi plus 2. Any even multiple of pi with 2, as that is given in the definition. Okay? So it is not a many, it is not a 1-1 function. It is what? It is a many one function. Right? And if I talk about the range, the range, I hope you remember that the range of any cos is always where to where? Minus 1 to plus 1. So beta, the range is minus 1 to plus 1 and the codomain is all real numbers. So even it, this is not even onto function, right? It is not onto. It is neither onto, it is nor 1-1. How can we say it is invertible? So it is not invertible, and this writing this much would be enough to justify your answer. Samriddhi, is that fine beta? You asked this doubt. Let me see your hand. That's okay. Rest of you, I hope it is okay. I'll stop the class here. Right? First class thi. Maine bilkul basic cheeze discuss ki hain aaj ki class mein. Understanding pe zyada work rakha, focus rakha hai. Ab aapki ye zimmedari hoti hai ki kal ki class mein jab aap aao, to dher sare doubts ho, ye sare questions aap try karke aao. Jo bhi doubts ho, screenshot share karo group pe. Theek hai? I'll take up kal ke class mein hum log, you can switch on your mics, children. Apni mic on kar lo. If you want, you can switch on the video as well. Right. Let's talk one by one. Let's talk one by one. Isha, aapke kuch doubts the beta jo main aaj nahi kar paya, because aaj basic kuch cheeze thi jo hume karni thi. To kal ke class mein I'll take up your doubts. Ek question to kafi acha tha, main aaj bhi lena chah raha tha, but koi nahi, I'll take up tomorrow. Theek hai, sare doubts ikatthe le lenge. Theek hai. And then we have next person. Aditya has joined today itself, no, Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Be last videos aapne dekh liye beta? Maine aapko link bhej diya tha. The last videos mein sir, maine first and second part dekh liya. First part wala rehta. Ha, usko karna shuru karo. Theek hai? Try doing all that. Okay. Yes. And Aditya, how are you doing, beta? Could you watch the third part as well? Adya, have you done the third part of the video? You also missed the third, till third, you missed a few things, no? Maybe you are not audible, or I am not audible to you. I don't know. Chalo, that is fine. Shreyansh is today, he is attending the live class for the first time. Dhruv and Shreyansh, be regular beta, theek hai? Not every class is recorded, and once you are regular, see, regularity means a lot, theek hai? Please make sure that you are regular. 3 to 4 ye round the year timing hai, right? I'm going to come online round the year. Even when the lockdown is over, main ye live classes leta rahunga aage bhi, theek hai? I've started it in a full-fledged manner. Yes, actually mic was, oh, that is okay, no problem. Theek hai. Theek hai beta, so I'll just turn off now, I'll sign off now. We'll meet tomorrow. Tomorrow it will be more of a question discussion session, right? Where the priority would be given to your doubts. You come with more and more doubts for tomorrow's session. Okay.
I assume that you will be trying all the exercise today itself, exercise 2.4. Try finishing it and post me with the doubts, right? Update me with the doubts. Whatever doubts you want to discuss, I'll take up. So tomorrow's class, I'll take up some doubts. In the next class, which is on Wednesday, there definitely we take up the previous year IIT and NDA questions. Okay? And then we'll proceed to the next topic. And in every class, we do this. First, basics. Then, R.D. Sharma's entire questions, doubts. And then, after that, some other good questions IIT or NDA. Se. So, I'll sign off today. See you tomorrow, sharp at 3 o'clock. Thank you. See you. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir.